वन हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज के हम सेशंस में पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 26 है स्टोरी राइटिंग, उनमें से आज हमें सेकंड स्टोरी है हमारी वो डिस्कस करनी थी, द वुड कटर एंड इज एक्स। देखते हैं कहानी में क्या है। वुड कटर यानी कि लकड़हारा और एक्स यानी कि उसकी जो कुहाड़ी है वो उसको हम कहेंगे एक्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वुड कटर इन द विलेज ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। यानी कि एक नदी किनारे वुड कटर रहता था लकड़हारा। इज नेम वॉज सुखराम, उसका नाम सुखराम था। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन, यानी कि वो अपनी बीवी और अपने दो बच्चों के साथ रहता था। ही वॉज अ वेरी पुअर। ही अर्नड हिज लिवलीहुड बाय हार्डवर्क। Every day early in the morning he went to the nearby forest, cut wood, sold in the village and he led a simple and content life. यानी कि ये जो लकड़हारा था वो अपनी जो lifestyle है वो किस तरह से पास कर रहा था, तो जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटता था और उसको बेच डालता था। सिंपल लाइफ थी और पैसे कमा कर शांति से रहते थे सब। वन मॉर्निंग एज यूजुअल सुखराम वेंट आउट टू अ वर्क। ही क्लाइम्ड ऑन अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। एज ही वॉज अ कटिंग वुड हिज एक्स स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। यानी कि एक दिन सुखराम है रोज की तरह जंगल गया लकड़ियाँ काटने और उसकी जो कुहाड़ी थी एक्स वो पानी में चली गई नदी में। ही गॉट डाउन द ट्री एंड सर्च फॉर द एक्स बट कुडंट फाइंड इट। ही हैड नो अदर एक्स, इट वॉज हिज फूड अर्नर। ही बिकम सैड, ही स्टार्टेड क्राइंग। जस्ट देन द सी गॉड अपियर्ड बिफोर हिम। फिर क्या होता है कि वो बहुत ही दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है, क्योंकि उसकी जो कुआड़ी एक ही थी और वो क्या थी, फूड अर्नर थी। यानी कि उसको जो तीन टाइम चुका जो खाना मिलता था वो उसी की वजह से मिलता था। तो प्रे करता था, रोता था, तो क्या होता है, सी गॉड उसके सामने आते हैं। व्हाट हैपन्ड, व्हाई आर यू क्राइंग। सी गॉड यानी कि जो रिवर बैंक में कोई ऐसे इमेजिनरी है जस्ट कि भगवान थे, वो आए और पूछ रहे कि क्या हुआ तुम्हें। देखो देखो ये है सी गॉड और ये है वुड कटर। द वुड कटर सेड टू हिम, आई हैव लॉस्ट माई ओनली एक्स, इट हैज़ फॉलन इन टू अ रिवर। तो ये वुड कटर इस सी गॉड को कहता है कि मैंने मेरी एक्स है वो यहाँ पानी में चली गई है। डोंट वरी सेड द सी गॉड एंड डाइव्ड इन टू द रिवर। सून ही केम अप विद द गोल्डन एक्स। Giving it to a Sukra, he said, "Take your axe and stop crying." देखो तो फिर ये सी गॉड होते हैं वो इस सुखराम को उसकी कुल्हाड़ी है वो लेकर देते हैं पानी में से निकाल के। सुखराम didn't accept it. He said, "It is not mine. Mine is a made of iron." यानी कि ये जो सी गॉड ने जो कुल्हाड़ी दी थी वो एक्चुअली गोल्डन थी, सोने की। तो सुखराम कहता है कि नहीं, ये कौन सी है, मेरी जो कुल्हाड़ी थी एक्स थी वो आयन की थी, ये तो गोल्डन है। द सी गॉड डिसअपियर्ड इन टू द वाटर अगेन एंड रिटर्न विथ द सिल्वर एक्स। तो सी गॉड है वो फिर से चले गए रिवर में और अब कौन सी, सिल्वर यानी कि चांदी की जो कुल्हाड़ी थे वो लेकर आए। ही सेड, टेक दिस, मस्ट बी योर्स आई सपोज। द वुड कटर शुक हिज हेड अगेन। द एंजल प्लंग्ड इन टू द रिवर फॉर द थर्ड टाइम एंड केम विथ एन आयरन एक्स। तो फिर वो दूसरी बार कौन सी आए, ले आए, सिल्वर एक्स लेकर आए। तो सुखराम कहता है कि नहीं, ये भी मेरी नहीं है, लेकिन तीसरी बार उसको उसकी ये जो आयरन की कुल्हाड़ी थी वो मिल गई। एज सुन एज द वुड कटर शो द आयरन एक्स, ही जम्प्ड विद द जॉय। ही फेल एट द फीट ऑफ द सी गॉड एंड क्राइड, इट्स माई एक्स, प्लीज गिव इट मी। द सी गॉड वॉज प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी। ही प्रेजेंटेड हिम विथ द गोल्डन एंड द सिल्वर एक्स इज ऑल्सो एज रिवॉर्ड। द वुड कटर थैंक द सी गॉड एंड वेंट अवे।
हैप्पीली। तो फिर क्या हुआ कि ये जो लकड़हारा था, वुड कटर था, उसने अपनी आयन की ओरिजिनल जो अपनी एक्स थी कुल्हाड़ी वो ही ली। तो इस गॉड सी गॉड थे, ये जो गॉड थे, उसको बहुत ऐसे प्राउड फील हुआ कि देखो ये जो आदमी है वो कितना सच्चा और अच्छा है, लॉयल है। उसने गोल्डन और सिल्वर एक्स को पहले मना कर दिया, उसने अपनी आयन की ही कुल्हाड़ी ली। तो सी गॉड ने खुश होकर उसको गोल्डन और सिल्वर एक्स दोनों दे दी और वो हैप्पीली चला गया। अब ये स्टोरी होती है खत्म। इसके देखते हैं एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वॉज अ सुखराम, वेयर डिड ही लिव। सुखराम इज अ वुड कटर, ही लिव्ड इन द एट द रिवर बैंक। हु लिव्ड द वुड कटर, वुड कटर लिव्ड विद हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन। व्हाई वॉज द वुड कटर क्राइंग, बिकॉज ही लॉस्ट हिज एक्स। व्हाई डिडंट द वुड कटर एक्सपेक्ट द गोल्डन एक्स, बिकॉज इट डिडंट। Why did the sea god present the woodcutter with both the golden and silver axes? Because as a reward, and the Sukram is a very honest person also, that's why. अब देखते हैं थर्ड स्टोरी क्या है। थर्ड स्टोरी का नाम है अ ब्रेव बॉय, यानी कि एक बहादुर लड़का। देखो, संदीप वॉज अ पुअर बॉय। कहानी स्टार्ट होती है कि संदीप नाम का कोई गरीब लड़का था। हिज पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज 7। ही अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग अ न्यूज़पेपर एट द रेलवे स्टेशन। यानी कि ये संदीप बहुत ही गरीब लड़का था। जब वो 7 साल का था तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और वो अब देखो रेलवे स्टेशन पर ऐसे अखबार बेचकर, न्यूज़पेपर बेचकर पैसे कमाता है। संदीप वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चा था। ही वुड गो टू द सेल न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि वो हर रोज सुबह न्यूज़पेपर बेचने के लिए जाता था। वन मॉर्निंग इट वॉज सो कॉल्ड एंड फॉगी। संदीप वॉज अ वॉट्स एट द रेलवे स्टेशन सेलिंग अ न्यूज़पेपर। एट दैट टाइम ओनली अ फ्यू पीपल वेर प्रेजेंट। यानी कि एक बार जब विंटर सीजन थी, जब ज़्यादा कॉल्ड ठंड थी और फॉगी एटमोसफियर थी, यानी कि कोहरा ही कोहरा धुंध, तब रेलवे स्टेशन पर मानो कुछ ही लोग थे। जस्ट देन अ ट्रेन अराइव्ड, टू मैन गॉट ऑफ एंड केम नियर संदीप। और देखो, दो आदमी संदीप के पास आते हैं। ओ बॉय, गिव मी अ पेपर, सेड वन ऑफ देम। सर, व्हिच वन, हिंदी और इंग्लिश, आस्क्ड संदीप। तो उसमें से एक आदमी ने इस संदीप को बुलाया कि मुझे पेपर दो। तो वो पूछता है कि कौन सा अखबार पढ़ेगी, हिंदी या इंग्लिश। ओनली वन विल डू, सेड द मैन। तो वो आदमी कहता है कि मुझे कोई भी एक दो। तो संदीप हिंदी देगा। संदीप गेव हिम अ हिंदी न्यूज़पेपर। देन दे वेंट टू अवे एंड स्टूड इन अ कॉर्नर। तो वो दोनों आदमी पेपर लेकर एक कॉर्नर पे खड़े हो गए। बोथ द मैन वेर आर टॉकिंग फॉर अ वाइल। वन ऑफ देम वॉज अ क्राइंग अ बैग। सडनली दे लेफ्ट लिविंग द बिहाइंड द बैग इटसेल्फ। तो क्या होता है कि देखो, ये दो आदमी हैं, उसमें से पहले दोनों ने बातचीत की, बाद में एक रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी बैग कहीं गुम गई है। संदीप रैन टूवर्ड्स द बैग एंड बिगिन टू लुक एट इट केयरफुली। ही कुड क्लियरली हियर अ साउंड लाइक अ बिप बिप कमिंग फ्रॉम द बैग। यानी कि बैग में से कोई ऐसी बिप बिप जैसी आवाज़ सुनाई दी थी जो इस संदीप ने देखा। He rushed to the station's master's room and told him about the bag. तो ये संदीप है, स्टेशन्स मास्टर के पास चलता है और उस बैग के बारे में बताता है। द स्टेशन्स मास्टर बिकेम अलर्ट एंड डाउटेड दैट देयर कुड बी इवन इन अ बॉम्ब इन द बैग। यानी कि उस बैग में क्या था, बॉम्ब था जो ब्लास्ट कर देता है ना, क्योंकि उस बैग में से बिप बिप की साउंड है वो आती थी। यदि नहीं सुना होता तो पूरा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट हो जाता। ही एट वंस रैंग अप द पुलिस। फिर पुलिस के पास गए। द पुलिस टू रीच द प्लेस। पुलिस वहाँ पहुँचती है। देयर इंडीड वॉज अ पावरफुल बॉम्ब लाइक
इन द बैग। और वो जो बॉम्ब था वो भी बहुत पावरफुल था जो पूरे रेलवे स्टेशन को ख़त्म कर देता। द पुलिस डिफ्यूज्ड द बॉम्ब विद संदीप्स हेल्प। द पुलिस अरेस्टेड द टू मैन हु हैड प्लेस्ड द बॉम्ब। एवरीवन प्रेज्ड संदीप फॉर हिज ब्रेवरी एंड ही वॉज अवॉर्डेड। यानी कि फिर इस दो जो दो आदमी न्यूज़पेपर लेकर आए थे वो एक्चुअली कौन थे? ये इन दोनों आदमी ने मिली भगत करके बैग में बॉम्ब डाल दिया था। अच्छा हुआ कि संदीप ने सुन लिया और समझ गया। इन दोनों को तो अरेस्ट करवा दिया और इसको बहादुरी का अवार्ड मिला। तो ये थी हमारी कहानी द ब्रेव बॉय। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। व्हेन डिड द संदीप्स पेरेंट्स डाइज? व्हेन ही वाज 7 ईयर ओल्ड। हाउ डिड ही अर्न हिज लिविंग फॉर सेलिंग अ न्यूज़ पेपर? हाउ मैनी पीपल वेर देयर एट द रेलवे स्टेशन? वेरी फ्यू पीपल। व्हाट डिड द एट द टू मैन आस्क संदीप? A wonder newspaper. What did they leave behind? Bag. They left a bag behind. What happened in the end? So at the end of this story, Sandeep got recognized the voice of the bomb and he called the police and arrested two person, and Sandeep was awarded by the पुलिस फॉर ब्रेवरी हिज। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 26 होता है कंप्लीट, स्टोरी राइटिंग। नेक्स्ट सेशंस में जब मिलेंगे तब जो चैप्टर छूट चुके हैं उसको पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।